हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये 90 का इंजन है भाई, और इस इंजन से जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट से जो सील होती है उसके कट जाने के कारण इससे तेल निकलने लग गया भाई, जिसकी वजह से देखो ये इसका फ्राई व्हील है कितना सारा तेल का हो चुका है अभी, और नीचे भी सुबह बहुत ही टपकाया हुआ था। ये इसकी पुरानी प्लेट है, इसमें सील लीक होने का रीजन क्या था अभी देखो। इसका ये बुश में लूज हो गया और बुश घूम चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी की आवाज भी पड़ चुकी थी और ये प्रॉब्लम आई हुई थी। तो हमने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक जो लगी लगाई बुश की प्लेट आती है नई 90 की, वो प्लेट बदल दी इसकी, और साथ में इसकी आगे वाले सील बदलेंगे। और सील बदलने का तरीका क्या है, जिस वजह से इसके कभी भी आगे नेक्स्ट टाइम ना तो बुश घूमेगा ना ही सील लीक होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लीकेज की। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना अभी, तो आपने वीडियो में देख लिया, हमने इसमें जो कमी थी वो बताई है, उसको भी ठीक करके दिखाएंगे कि अगर हमारी 90 के इंजन में या 82 का इंजन, 90 का इंजन BS4 BS3 में जो भी ये बुश प्ले होने की वजह से लीकेज होती है, जो फ्राई व्हील का बुश घूम जाता आगे वाला, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो आपने देख ली होगी कि अगर हमारे ऑटो में स्मोक हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप इस वीडियो में भी ऐसे ही प्यार देते रहे अपना। तो दोस्तों ये सील है भाई जो अब इसमें डाली जाएगी, प्लेट हमने बैठ दी एक पैकिंग लगा कदर राजीव बोर्ड लगाकर। तो जब भी सील लगाए सील को ग्रीस लगा लेना चाहिए, ताकि जो ये फ्राई व्हील का बुश है ये थोड़ा सा भी टाइट हो, जो इसका बुश का कचरा होगा वो सील के अंदर ग्रीस के अंदर सोख लेगा इसको, और लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ग्रीस लगाकर अच्छे तरीके से और इसको फिट कर दे भाई, इस तरीके से इसको फिट करके फिर इसको अच्छे तरीके से ठोक दे, तो आपकी गाड़ी में जो भी लीकेज की प्रॉब्लम थी अगली प्लेट से, वो लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। और इस तरीके से आप अपने घर पर भी इस प्रोसीजर से अपनी लीकेज की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। देखो भाई ये सील बन चुकी है अब, और अब इस जो अपना व्हील है, व्हील को अच्छे तरीके से साफ करके और काटर में इसको फिट करके, जो इसका काटर उच्च होता उसमें इसको फिट कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऑटो लाइन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को कमेंट में जरूर बताना भी कैसी लगी आपको। तो देख लो भाई जो इसका लो वाला टप होता कितनी ज्यादा इसमें मिट्टी ऑयल हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से साफ करें, मेरी मानने से सर्विस स्टेशन पर धुलाकर और डीजल मारकर फिर सर्विस स्टेशन पर धुला ले और फिर इसको फिट करें, क्योंकि आगे कोई लीकेज होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।